चुना बिझोल है रे भैया, है चुना बिझोल, चुना बिझोल है रे भैया, है चुना बिझोल। वोट लेने के खातिर, वोट लेने के खातिर मीठ मीठ बोल रे, चुनाव झोल है रे भैया, है चुनाव झोल। चचा गुप्ता जी से पूछ ले तो सूझी है क्या? सूझेगी सूझेगी, चुनाव के आखिर तक सबकी सूझ। चाचा भेजी आई गए, चाचा आप पहले घर के माला ट्री हटाओ गुप्ता जी। चाचा एक सेल्फी तो लेना ही है हमारी, अरे एक सेल्फी ले लें तो। अरे चाचा हाँ, ईटा लाए यार, नहीं लाए हैं। एक सेल्फी तो ली पोस्ट करने के लिए, फेसबुक पे बवाल मचाना है हमें यार। भट्टा को यार प्रमोशन यार, टिकट दिलवाओ पहले मौका में निको। अरे यार ये बहुत ही बड़ी मुश्किल में सेल्फी खिंचवाई है। जब पापी पेट साला फिर भी चमाएगो चाचा। सीट पक्की है तुम्हारी? जी सर। इनको देखो जी, रुकिए 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 रुकिए, दो मिनट रुकिए, दो मिनट रुकिए। सबकी मीटिंग होगी बारी बारी से, सबको हम बुलाएंगे जब तभी आना है एक एक करके, ठीक है? सबकी मीटिंग होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। सुंदर शर्मा कौन है? आ जाओ, हाँ हमें बैठिए बैठे इधर बैठिए। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार नमस्कार, ये देखिए पोस्टर। अरे बहुत बहुत बढ़िया। और शर्मा जी बताइए तैयारी कैसे चल रही है? बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है हमको। बिल्कुल, चाचा ने हमारे जनहित में बहुत कार्य किए हैं और जनता हपक के समर्थन कर रही है अध्यक्ष जी। अच्छा, और हम आपके लिए अपनी नगर पंचायत चांदपुर का मशहूर पान लाए, लीजिए सप्रेम भेंट। पान खाते हो? शर्मा जी जी, इस बार हमको भी लग रहा है कि नगर पंचायत के नरेश आप ही बनेंगे, लेकिन खर्चा पानी आपको दबा के करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल अध्यक्ष जी, हमने दबा के खर्चा किया है इस बार। बिल्कुल, चाचा ने आपका बड़ा सा होर्डिंग टंगवाया है, मेन चौराहे पे चमक रहे हैं बिल्कुल आप। हमारा भी है। देखो बचुआ, होर्डिंग वोर्डिंग लगते रहता है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। इस बार खादी थोड़ा महंगा हो गया है, और हम सोच रहे हैं ना एक फार्चुनर निकाली जाए काली वाली। अरे आपके कद के हिसाब से तो बढ़िया ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। सही रहेगा ना? बस आपका समर्थन चाहिए। अरे अब आप शर्मिंदा ना करें, बाकी टिकट का देख लीजिएगा। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आप टिकट की व्यवस्था करवा दीजिए, चचा हमारे अगर चेयरमैन बने तो आपको एक पूरा गाड़ी गिफ्ट करेंगे और हमको ये वहाँ आईटीआर दिलवाएंगे, वादा किए हैं हमसे। देखो बचुआ, हमारे बाबूजी कहा करते थे, पुत्र न होबे बाप का जैसे ही जाए जीत, और कुर्सी के आगे तुच्छ सब, यही तो है राजनीति। बहुत बढ़िया, समझ नहीं पाए। नहीं समझे? ये राजनीति है, ये होने के बाद ही समझ में आती है। चचा है हमारे बड़े दिलदार हैं, हमारे साथ थोड़ी लोचा करेंगे ना। चलिए चलिए शर्मा जी, तैयारी कीजिए, समर्थन आपके साथ है, पार्टी भी आपके साथ है, आपका टिकट पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, बस अपना सहयोग बनाए रखिए। अरे बिल्कुल, ठीक है। प्रणाम प्रणाम।
हमें बस ईमानदारी से काम करना है। अध्यक्ष जी टिकट हमें ही देंगे। गोपी शुक्ला कौन है, आ जाओ। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्ला, चुनाव तैयारी कैसी चल रही है? अध्यक्ष जी सब ठीक ही है, सभी लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है, हमने सदैव जनता के हित में कार्य किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अध्यक्ष जी अपने शुक्ला जी काफी ईमानदार और होनहार प्रत्याशी, और जनता भी पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है, बस आपका समर्थन थोड़ा मिल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पार्टी का सहयोग करिए, पार्टी आपका सहयोग करेगी। अध्यक्ष जी आपको तो पता ही है, विधानसभा की सीट आजादी के समय से ही आरक्षित है SC कोटे में, तो हम जैसे अन्य वर्गों का क्या होगा भाई? विधायकी का चुनाव हम लड़ नहीं सकते, इसलिए आपको व पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के लिए न्याय तो करना होगा। जरूर जरूर, देखिए सबके साथ न्याय होगा, और हम चाहते हैं कि हमारी टिकट जो है ना ईमानदार प्रत्याशी को ही मिले। शुक्ला जी आप तैयारी कीजिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, टिकट आपकी है। अध्यक्ष जी बस देख लीजिए, इस बार हो जाएगा, बस सहयोग चाहिए आपका। अरे बिल्कुल, पूरा सहयोग है। ठीक है अध्यक्ष, नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष जी। चुन्नू गुप्ता कौन है, आओ। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार नमस्कार। और चुन्नू तुम्हारे खिलाफ शिकायतें बहुत मिल रही हैं इस बार, क्या मामला है? अरे कैसी बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, अब चुनाव है तो मुद्दे और शिकायतें तो आती ही रहेंगे, कमजोर विपक्ष है, इसके अलावा करेगा भी क्या, बताइए आप। देखो चुन्नू, मुद्दे तो आते रहेंगे लेकिन सीट नहीं रहेगी। और सुनने में तुम कॉलेज बनवा रहे हो? अरे आशीर्वाद है बस आपका अध्यक्ष जी। हमारा आशीर्वाद नहीं है, जनता का है। हमारा आशीर्वाद इतने सस्ते में कहाँ रखा? पूरा रखवा दिए हैं गाड़ी में, पुराने खिलाड़ी हैं गुप्ता जी। पूरा ख्याल रखना, कोई कमी ना रह जाए, अध्यक्ष जी का पूरा आशीर्वाद चाहिए हमें। इलेक्शन टफ है इस बार चुन्नू, टिकट के दावेदार ज्यादा है, थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी हमारे यहाँ कुत्ते भौंकते बहुत हैं, लेकिन काटता कोई नहीं है, दादा को राजनीति विरासत में मिली है, जलवा है भैया का। ठीक है, अच्छी बात है, आप पार्टी के पुराने चेहरे हैं, टिकट आपकी पक्की है, बस माता जी की कृपा बनाए रखना। अध्यक्ष जी पूरा ध्यान रखा जाएगा आपका, बस आप थोड़ा हमारा भी ध्यान रखना। चलिए तैयारी कीजिए, पोस्टर दे दी। पोस्टर दिखाओ, पोस्टर दिखाओ। तुम नहीं हो? अरे बढ़िया, ठीक है अध्यक्ष जी, फिर नमस्कार। पूरी अध्यक्ष जी के साथ फोटो खींचने का सौभाग्य ना मिलो यार, तौका है। अध्यक्ष जी की गाड़ी के साथ तो फोटो खींचने को सौभाग्य मिलो ही है। फेसबुक पर बवाल मचाना है, जा रहे हैं अध्यक्ष। यार लक्की, बड़ा मुश्किल लग रहा हो चुनाव। है तो मुश्किल चच्चा, हम तो जा सोच रहे हैं कि चुन्नू गुप्ता ने एक बोरा पैसा दो अध्यक्ष जी का, और हमने अपने जीवन में कभी बोरा भर पैसा नहीं देखो। हाय चाचा, हमें जह नहीं देखो जा। चाचा एक बार हमें बोरा भर पैसा दिखाई दो, हमें कुछ देखने नहीं जीवन में अपने। बेटा लक्की, तुम जो झड़का ना झेल पे हो, पगला आए जी हो। ए चाचा, जब सब चेयरमैन ही गुजलवा है, चाचा सोचो एक बार, अगर घर के लोग चेयरमैन बन गए तो चुन्नू गुप्ता की तरह 3-4 कॉलेज, एक भट्टा, एक हॉस्पिटल, एक फॉर्चूनर, 3-4 छोटी मोटी गाड़ी। चाचा पैसा खिल ही हम वहाँ इत्र डार के चित्र खींची चाचा। आहा क्या लेकिन लगी, हमें लग रहो कि टिकट मिल नहीं पाई ही। अरे कैसे नहीं मिली है चाचा, हम दिलवाएंगे आपको टिकट। देखो चाचा, चेयरमैनी के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए चेयरमैनी हमें और कुछ नहीं पता। लेकिन यार हम इतना पैसा ले ही कहाँ से? अरे हम जुगाड़ कर वही कैसे? अरे आपको 8 acre वालों प्लाट है वो भाई, में बेच दी सारे मार पार का, बेच दी। सोच समझ के बोलो गुरु, आप लोगों ने जहर समस्या है। अरे चाचा चेयरमैन बनी फेर खरीद नहीं, 8 acre 88 बने ही। कैसे घोटाला करके? आप सोचो, एक चेयरमैन की 15,000 से कम तनख्वाह होती, और फॉर्चूनर चलते, बता कैसे? कैसे घोटाला करके? चचा भतीजे मिलके पूरा बजट पी जाए ही। चाचा ले डिसीजन ले चाचा। ठीक है, करो तैयारी। हाँ बिल्कुल। अरे आप टेंशन काहे ले रहे, चाचा लड़ना है, या तो जीत जाएंगे या तो हार जाएंगे, वरना सीख जाएंगे। दांत न पोड़ दे,
अगर हार गए तो भीख मांग जी हो। अरे कुछ ना हुई, आप हम पर छोड़ दो। लक्की भैया दा युवाओं किसान, टेंशन का ले रहे हैं आप? पैसा की व्यवस्था करो, हम चुनाव प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, ठीक है? टेंशन ले लियो, चेला फैलाए रहे पूरी नगर पंचायत में। सुनो, कागज रेडी करा। देखो शुक्ला जी, हमें ना लगत कि नेताजी जे तुम्हें टिकट दिलवाए पई। और राजनीति बहुत गंदो खेल है, देख लियो चुन्नू, पैसा खर्च कर दारू ले मुर्गा ले। देखिए दादा, अगर पैसों से टिकट खरीदी जा सकती तो जुगनू हर बार चुनाव लड़े। टिकट के लिए पैसा जरूरी नहीं है, साफ नियत, अच्छी सोच और जनता का आपके प्रति प्रेम जरूरी है। हमें टिकट की परवाह नहीं है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे और आप सबका आशीर्वाद रहा तो जीतेंगे भी। शुक्ला जी, अपना सुझाव है ऐसा, चुनाव मीन्स पैसा, बाकी हमारो सहयोग आप एक साथ है। अब ठीक भाई, हम चल रहे हैं, आप जैसा बताइयो फिर। ठीक 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 दादा। अरे थोड़े थोड़े पिया पप्पा। अरे यार गुब्बू पियन दे यार, उसे कहीं भी बैठा रहा है आज, न कब तक रहा है आज करे कुछ? अरे साथ पप्पू रे साथ। चोर करे चोरी, वाह पप्पू वाह, मोची सिला जूता। चोर करे चोरी, मोची सिला जूता। अगर फिर से चेयरमैन बन गए चुन्नू गुप्ता, हाँ पप्पू, जान लो 5 साल तक सबके मुंह में मूठा। पप्पू वाह, दिल जीत लो पप्पू, क्या जर्दा खाइए? बिल्कुल छोटा भाई, खा के जर्दा उड़ा देंगे घर ना। हमें लगा थे पप्पू भोलेंगे। तुम्हारी इस गलती पर क्या डांटू? वाह वाह पप्पू वाह, पप्पू तुम बहुत बड़ा हो जाटू। ऐसे ना कहा यार पप्पू, चुप। हम जाएंगे अपने आप पप्पू। सरदेव जी, फिर क्या करना चाहिए? देखिए गुप्ता जी, आपका जो पलड़ा है ना, वो नीचे जा रहा है। शर्मा और शुक्ला व्रत बनाए हुए हैं। अब देख लीजिए भाई, हमारा तो काम है अच्छे उम्मीदवार को टिकट देना जी। तो जी, आप मूंगफली खाते हैं? हाँ जी, खाते हैं। हमारे बाबूजी कहा करते थे, मूंगफली खाने से दिमाग बढ़ता है। और जब हम जाते हैं बाजार में मूंगफली खरीदने के लिए, तो हम वही मूंगफली खरीदते जो अच्छी दिखती है, चाहे दाना कैसा भी। राजनीति भी कुछ ऐसी ही है जी अध्यक्ष जी, थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़ता है। वो कहावत भी है ना, जो दिखता है वही बिकता है जी, बिल्कुल। और वो तुमने जो बोरे भेजे थे, वो पसंद आए? अरे मंत्री जी आए थे, कह रहे थे कि एक भिजवा दे गुप्ता जी, तो हमने भी कह दिया, गुप्ता जी दमदार आदमी है। मैंने सही कहा ना? अरे बिल्कुल अध्यक्ष जी, भिजवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप टिकट का देख लेना हमारे। हमको मालूम था कि आप पीछे नहीं हटोगे, टिकट तो लेकर ही जाओगे। हैं चलिए, ठीक है ठीक है अध्यक्ष जी, बस तैयारी कीजिए। देखिए, अरे करो। हाँ, टिकट आपकी पक्की है। ठीक ठीक, बस आप कृपा बना। ठीक है, चलते हैं फिर। चलते हैं, मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं तरन्नुम मिश्रा उर्फ़ता ना, कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ झंडू न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज की सीधा लाइव रिपोर्टिंग नगर पंचायत चांदपुर से। यहाँ पर एक गंदी राजनीति का दृश्य सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ के कथित तौर पर भूतपूर्व चेयरमैन सुंदर शर्मा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो नोट के दम पर वोट खरीदते नजर आ रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, नोट के दम पर वोट। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर के बाहर। मैंने वहां से पता किया तो पता चला है कि सुंदर शर्मा जी और उनके भतीजे लक्की दोनों लोग घर से फरार हैं। आप देख रहे थे झंडू न्यूज, हम आपको दिखाएंगे कब ले वीडियो वायरल हुई गई, हम करेंगे पर्दाफाश। बाहिनी की चाल, अबे कितना लेगा, लाख लेगा, 2 लाख लेगा, तुम दो ना, तुम्हारी आते काहे फट रही, पैसा हमारा है यार। हाँ अबे हम आते हैं, हम जरा चाचा से बात कर ले यार। ससुराल ये चाचा, तुम टेंशन ना लो, हम देख रहे हैं यार सब। अरे यार कैसे ना ले टेंशन, लक्की हमें अब लग रहा है काले बादल आएंगे और मुंह में मूत के जाएंगे, तुम देख लेना। अरे आपके चक्कर में ही हम गए थे पैसा बांटने, साला पता नहीं किसने वहां से वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया। तो यार तुमको देखभाल के बांटना चाहिए ना, ऐसे खुले आम तुम बांट रहे हो।
अरे हम देख लेंगे यार अपने आप। का देख लोगे यार तुम, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। अरे तो का हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, जेल काट जाओगे आप। हम लड़ लेंगे चेयरमैनी, चेयरमैनी घर में आएगी चाचा। हम तो नपोरा बन गए ना लक्की। तो चाचा नपोरा तो हो ही, इतनी उम्र में शादी नहीं कर पाए हो, और कौन सा प्रूफ चाहिए आपको? हमें तो साला लगता है कभी कभी बंद कैसे चलेगा। हम देख लेंगे अपने हिसाब से। ये जितना रायता तुम फैलाए हो, एक एक बूंद करके सारा समेट लो। समेट लेंगे। सुनो, इस चुन्नू का कुछ करो तुम। चाचा आप कतई टेंशन ना लो, चुन्नू ने शुरू किया है, खेल खत्म लक्की करेगा। इसे पता नहीं किससे पाला पड़ा है इसका। हेलो। हाँ बंटी। मैं बंटी, तुम देखो यार, तुम समझ नहीं रहे हो यार। ए सुनो बे, जब तक चुन्नू गुप्ता जो है अपना बाग देखे, तब तक काम हो जाना चाहिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बे, जल्दी जाओ, पक्का लगेगा सारा जेल काटोगे। जल्दी जाओ, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं किस प्रकार से ये लोग हमारे नगर को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को आदि बना दिया है शराब का। क्या आप पैसों से वोट खरीदने वालों का साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप शराब बांटने वालों का साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम करेंगे इस नगर को खुशहाल, सबको मिलेगा लाभ। चेयरमैन बनते ही सर्वप्रथम हम दारू बंद के लिए संघर्ष करेंगे। गोपी शुक्ला, गोपी शुक्ला, गोपी शुक्ला। किसी को कोई आपत्ति? नहीं। बिल्कुल नहीं। हमको है आपत्ति, और ये किया है इरशाद। गप्पू, पप्पू, शुक्ला ईमानदार है। शुक्ला ईमानदार है, इन सबको नहीं है बोध। और सुंदर ससुर भ्रष्ट है, चुन्नू माधव। सोचे भाई, सीएचओ दिन ना है यार। ओ नपोरा ने तो दारू पी के चले आए हो। हेलो उनके थोड़ी थोड़ी चले यार, हर मीटिंग खराब कर दो पूरी मीटिंग। माय लॉर्ड, ए पप्पा, एक इन सबके लिए है कोई स्पेशल वाली? आप सबके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल है। हाँ इरशाद, ये जो शहर में पड़े हैं गंदे नाले। पप्पू। हाँ पप्पू। ये जो शहर में पड़े हैं गंदे नाले, उसके जिम्मेदार हैं यही सब भोले वाले, भोले वाले, भोले वाले। अरे अरे रोकिए यार, आइए आप सभी लोगों को सहयोग करना है, क्योंकि इस नगर को हम ही खुशहाल करेंगे। गोपी शुक्ला, गोपी शुक्ला, गोपी शुक्ला। ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है नगर पंचायत चांदपुर से। यहाँ के वर्तमान चेयरमैन चुन्नू गुप्ता जी की गाड़ी में से पुलिस को भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारी मात्रा में शराब। चुन्नू गुप्ता जी शराब की दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लोगों का मन लुभा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये नेता जनता की सेवा की आड़ में कैसे गलत कार्य कर रहे हैं। अबे चूतिया का तुम, अबे भूतपूर्व बड़ा कौन लिखवाता है? भूतपूर्व छोटा लिखवाओ, चेयरमैन बड़ा दूर से दिखना चाहिए कि चेयरमैन लिखा है। अबे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो यार, बैल बुद्धि लक्की लिखवा लेगा। अरे चाचा ये देखो, चुन्नू गुप्ता की मार दिए। क्या बता रहे हो? अरे पहले ध्यान से देखो, ये देखो हमने शराब रखवाई थी गाड़ी में, चुन्नू गुप्ता गाड़ी पकड़ गई है, मीडियम चल रही खबर। तुम भी हो? और क्या? अरे वाह यार लक्की, दिल खुश कर दिया तुम हमारा। वाह क्या खबर दी है। तुम ऐसा करो तो फिर बताओ, इस खुशी के मौके पे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करवाओ, नगर के सभी लोगों को बुलाओ। चाचा दिल की बात छीन लिए हो जाएगा। और सुनो, हाँ। वो यार चांदनी बुला लेना, ठुमका बढ़िया लगाती है वो। चाचा चाची होती तो भिगो के चार जूता मारती है आपके। हाँ चलो अच्छा, ठरक पना कम दिखाओ, करवाते हैं प्रबंधन। ठीक है ठीक है।
वोट दे तुम भैया, बिजली पानी फ्री दिलई है, बस आवई दे रुपया। रोग हमका लगाई दे लबरिया, मिलाई ले जरा हमसे नजरिया। अजी घुटा उठाई ले सावरिया, मिलाई ले जरा हमसे नजरिया। नेताजी का पेट बड़ा, हमरे तुमर बीच अड़ा, जनता से चुरावे नजरिया, मिलाई ले जरा हमसे नजरिया। अजी घूटा उठाई ले सावरिया, मिलाई ले जरा हमसे नजरिया। योजनाएं हजम किए हाय हाय हाय, जनता का नाश किए हाय हाय हाय। योजनाएं हजम किए, जनता का नाश किए, पास वाले फेल किए, फेल वाले पास किए। जनता का लूट 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 कर, अरे जनता का लूट 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 कर लूट ली सारी नगरिया। अजी घूटा उठा ले सावरिया, मिला ले जरा हमसे नजरिया। लोग हमका लगाई दे नवरिया, मिला ले जरा हमसे नजरिया। अजी घूटा उठा ले सावरिया, मिला ले जरा हमसे नजरिया। अजी घूटा उठा ले सावरिया, मिला ले जरा हमसे नजरिया। अजी घूटा उठा ले सावरिया, मिला ले जरा हमसे नजरिया। अजी घूटा उठा ले सावरिया, मिला ले जरा हमसे नजरिया। मिला ले जरा हमसे नजरिया। अरे चाचा, अरे पकड़ साले, अरे पकड़ साले, अरे चाचा, अरे मार, अरे चाचा, चाचा, अरे तेरी माँ का। तो कैसी लगी वीडियो? हमें मालूम बहुत गजब लगी होगी, तो फिर इस पे 20-25-30 हज़ार जो करवाए वो लाइक करवाओ यार, और कमेंट करके बताओ क्या स्पेशल रहा इस वीडियो में। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना फैलाओ। बिल्कुल, काहे कि यार बहुत मेहनत लगी है, और 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए दो, 9 हज़ार बचे हैं केवल यार। यार बाएं हाथ को गेम है तुम लोगों को यार, जल्दी सब्सक्राइब। 2022 करवाए दो, 2023 तक जाने की जरूरत ना, क्योंकि 31 दिसंबर को अपना एपिसोड 2 आ जाएगा, तो तब तक 2 लाख करवाए दो। अगर ना भी पाया तो छोटे भैया वीडियो आई है ना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले यार हम सबका यार, अगर को मेन इंस्टा हैंडल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फॉलो कर लो। ठीक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।